हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ आटे के मालपुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी इंस्टेंट बिना चाशनी के हम बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मालपुए बहुत ही टेस्टी, जालीदार, सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही कम मेहनत किए घर में आप बना सकते हैं स्वीट डिश। मालपुए बनाने के लिए एक कप और एक चौथाई कप गेहूं का आटा लेंगे। मेजरिंग के लिए आप कोई भी एक कप या कटोरी ले लें। उस कप से आप एक कप आटा लें और उसी कप से आप चौथा भाग, मतलब एक चौथाई भाग गेहूं का आटा ले लें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। जिस कप से मैंने आटा लिया है उसी कप से मैं शक्कर ले रही हूँ और एक कप से मैंने थोड़ी सी कम शक्कर ली है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। घी मैंने गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। जिस कप से मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी कप से मैंने पानी भी लिया है, तो मुझे टोटल यहाँ पर 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसमें केसरिया कलर डालेंगे थोड़ा सा। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। इसे हम प्लेट से ढककर 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो जो हमने आधा कप पानी बचाया था वो पानी भी इसमें डाल देंगे। मतलब मुझे इसमें टोटल 2 कप पानी लगा है। तो देखिए, मालपुए का बैटर इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, और इसमें लम्स भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच बैटर डालेंगे। देखिए, इस तरह से आपको धीरे से डालना है। देखिए, मालपुआ अच्छे से फैल गया है। अब हम गैस की फ्लेम तेज कर देते हैं। गैस की फ्लेम आपको तेज ही रखना है। इसे हम पलट देते हैं। ये मैंने जलेबी की तई ली है, आप इसकी जगह नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई फ्लैट कढ़ाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मालपुआ तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। मालपुए को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम फिर से स्लो कर देंगे और इसमें वापस बैटर डालेंगे। जैसे ही ये फैल जाएगा हम गैस की फ्लेम वापस तेज कर देंगे। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि मालपुए को कितनी देर तक फ्राई करना है। अगर आपके मालपुए अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच मैदा और डाल दें। इसे हम पलट देते हैं। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप इसमें फ्लेवर चाहते हैं, मतलब इलायची पाउडर डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये बिना इलायची पाउडर के भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देखिए, ये फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। मालपुए को फ्राई करके आप इस तरह से उल्टी झारी रखें और इसके ऊपर आप मालपुआ डालें तो जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। मालपुए को आप बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करें, अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये कड़क हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप मालपुए को साइड में इस तरह से रखकर और फोल्ड करते जाएं। इस तरह से आप सभी मालपुए बना लें।